बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। रमज़ानुल मुबारक में अगर आपने काम को आसान करना है, जल्दी करना है, तो पकौड़ा प्री मिक्स ज़रूर बना के रखें। पकौड़े बनाने के लिए हमें कई ढक्कन खोलने पड़ते हैं मसालों के, और फिर जाके कहीं पकौड़ों का बैटर बनता है। तो आसान तरीका है कि हम उसको पहले से ही बना के सेव कर लेते हैं, पूरा साल चलेगा। और आज की जो तरकीब है ना, वो शायद आपने कभी देखी हो, क्योंकि मैंने ये सीखी है अपनी टीचर से। और मेरी टीचर कौन है, जिसके मैंने सबसे ज़्यादा प्रोग्राम देखे हैं, वो है हमारी पाकिस्तानी शेफ़ जी। तो बचपन में मैंने देखा था कोको ख्वाजा को, हम बूढ़े हो गए हैं, वो तो माशाल्लाह भी जवान ही है। और उसके बाद मैंने सबसे ज़्यादा प्रोग्राम देखे हैं शेफ़ राहत के, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारी शेफ़ हैं वो। और उन्होंने जो कुछ सिखा दिया ना, वो मैंने कहीं और से नहीं सीखा। उनको मैंने देखा था पकौड़ा प्री मिक्स बनाते हुए, जिसमें उन्होंने इसी तरह कड़ी पत्ता को फ्राई करके पकौड़ा मिक्स में डाला था। चलिए आज मैं शेयर करती हूँ आपके साथ अपनी तरकीब को, इंजॉय करें और एक दफ़ा आप भी इसको ज़रूर बना के ट्राई करें। इससे सिर्फ पकौड़े नहीं बनेंगे, इसको बहुत ज़्यादा और भी डिशेज़ में इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि मैं आपको फ्यूचर में इंशाल्लाह दिखाती रहूँगी। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने दो पैकेट लिए हैं करी पत्ता के। करी पत्ता के जितने भी सड़े हुए पत्ते थे उनको मैंने निकाल दिया और धो के इनको अच्छी तरह से खुश कर लिया। एक कढ़ाई में मैंने 4 से 5 चम्मच लिए हैं मस्टर्ड ऑयल के, सरसों के तेल के। खालिस है या नहीं है, लेकिन खुशबू इसकी बहुत शानदार है। तो ऑयल इतना डालना पड़ा क्योंकि पत्तों को हमें फ्राई करना था, क्रिस्पी करना था, तो उसके लिए इतने ऑयल की ज़रूरत है। ऑयल को हम बाद में यूज़ नहीं करेंगे, उनको अलग पत्तों को निकाल लेंगे और ऑयल जो है वो किसी और काम आ जाएगा। तो इन पत्तों को हमने हल्की आंच पे फ्राई करते जाना है कि ये क्रिस्पी हो जाए, ठीक है। उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर तक। करी पत्ता अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद क्रिस्पी हो गया है। तो अब एक साइड पे सारे पत्ते करके तो ऑयल को थोड़ा सा इधर को झुका देंगे, इधर को, ताकि वो निकल जाए। और फिर पत्तों को हम एक ट्रे में निकाल लेते हैं, जिसके अंदर हम बाकी मसाले बाद में शामिल करेंगे। सारे पत्तों को ऑयल में से निकाल लिया, थोड़े से एक्स्ट्रा थे उनको मैंने ऑयल में वापस थोड़ा सा डाल दिया। एक्स्ट्रा तो काफ़ी लग रहे हैं मुझे। अब इनको हाथों से अच्छी तरह से क्रश करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप दो पैकेट ही लें और उनको आप फ्राई करके डालें, आप एक पैकेट में से चंद पत्ते भी डाल सकते हैं, सिर्फ खुशबू लेनी है। मेरे क्योंकि ज़ाया हो जाने थे तो मैंने सोचा मैं ज़्यादा से ज़्यादा डालती हूँ, ज़्यादा ही लालची हो गई थी मैं। अब हम करते हैं मिक्सिंग। सबसे पहले बेसन, और बेसन यहाँ पर मैंने लिया है 4 कप। पिछले साल मैंने बेसन के साथ मैदे को इस्तेमाल किया था, इस साल मैं डालूंगी चावल का आटा। थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं कैसा बनता है। चावल का आटा मैंने 1 कप लिया है और ये टोटल हो गए 5 कप। अब शामिल करते हैं अपने मसाला जात। खाने का चम्मच लिया है 2 खाने के चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 खाने का चम्मच पेपरिका पाउडर, 1 खाने का चम्मच हल्दी, और ये है मोटा कुटा हुआ धनिया, जो कि पकौड़ों की जान होता है। ये 5 खाने के चम्मच डाल दिए। अजवाइन 2.5 चम्मच छोटी वाली, और ये है सूखी मेथी, 2.5 खाने के चम्मच। गरम मसाला 1.25 खाने का चम्मच, 1 चम्मच और 1/4 चम्मच। चाट मसाला 1 खाने का चम्मच और 1/4 खाने का चम्मच। मीठा सोडा 1 छोटी चमची और 1/4 छोटी चमची। हींग छोटी 1 चमची, जिसको एसाफिटिडा भी कहते हैं। कलर ऑप्शनल है, अगर आप डाल दें तो अच्छी बात है, खूबसूरत कलर होगा, खूबसूरत लगेंगे ये पकौड़े। जर्दा रंग मैंने डाला है 1 छोटी चमची। और अब इनको बड़े ही प्यार के साथ दुरूद शरीफ पढ़ते हुए, बिस्मिल्लाह पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ते हुए मिक्स कर दें और दुआ करते जाएँ कि खाने वालों को अल्लाह सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत की तौफीक अता फरमाए और इसका अजर आपको भी दे, खाने वालों को, पकाने वालों को, सबको दे।
इन सारी चीज़ों को मिक्स किया और बाहर धूप निकली हुई थी, बड़ी ईद का दिन होता है हमारे लिए धूप निकलना, इसको धूप में मैंने रख दिया आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैंने एक बोतल को साफ सुथरी करके धो के खुश्क करके उसके अंदर सारा का सारा कौड़ा प्री मिक्स डाल के महफूज कर दिया। तो वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये जब भी पकौड़ा मिक्स इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगी अपनी रेसिपीज़। मेरे साथ जुड़े रहिए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।